कश्मीर घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स को लेकर जम्मू संभाग में लोगों का गुस्सा व रोष बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कश्मीर में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर यूटी प्रशासन व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अपनी जान की अमानत मांगते हुए तुरंत जम्मू संभाग में ट्रांसफर करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हम वहां तालीम दे रहे हैं और वो हमें चुन चुन कर मार रहे हैं। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हूँ और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत एक फार फ्लंग और दूर दहाज एरिया में है और मैं वहाँ एक छोटे से गांव में स्कूल में ड्यूटी देती हूँ और पिछले 5 साल से मैं हूँ वहाँ पर और मेरे हस्बैंड 15 साल से हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं हमें कि कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन सर जो अब ये वाकया हुआ है ना, लेकिन उससे देख कर हमारा दिल जो है बहुत डरा हुआ है। इस समय हम है ही नहीं मेंटली एक ट्रोमा में कि किस तरह से वापस जाएंगे और वहाँ जाके ड्यूटी देंगे। टीचर्स हैं हम, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? कितने सालों से बंद की है इन्होंने, लेकिन हम वो भी नहीं चाहते। हम 15 साल हो गए, 15 साल से वहाँ बैठे, क्या हमारे लिए गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना सकती है वापस लाने की? गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकती है, हमें पॉलिसी बनाए और हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, श्रीनगर।